यहाँ आए वो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट बने, क्योंकि आज भोंपू बज गया उनके लिए, क्योंकि हमारे पास आज कुछ खास मेहमान हैं। और अब जो आ रहे हैं रॉक स्टार बनकर दिलों पर छाने वाले, बर्फी की मिठास लुटाने वाले, रॉकेट सिंह बनकर दुनिया को घुमाने वाले और जवानी दीवानी का पाठ पढ़ाने वाले, बेशरम वेरी टैलेंटेड वेरी वर्सेटाइल रणबीर कपूर। और इनके साथ हैं वो हस्ती जो एक सुपरस्टार की वाइफ है, एक सुपरस्टार की माँ है, और इतना ही नहीं वो खुद भी एक सुपरस्टार है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम नीतीश सिंह रणबीर कपूर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का नीतू, तो लवली टू सी यू एंड रणबीर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें, हमारा आपका इतना घनिष्ठ रिश्ता है और पुराना रिश्ता है कि कुछ कहने का हम शब्द ही नहीं रहे हैं। बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे समधी हैं, मेरी बेटी भी आई हुई इनके घर, इसलिए हमारी समधी है और इनके लिए बड़ी इज्जत करनी पड़ती है। तो बड़ी इज्जत के साथ मैं आप दोनों को आपके हॉट सीट पर ले चलता हूँ। आइए तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत। क्या जी, ये आप नहीं जानेंगे, आपके पैदा होने से जब ख्याल भी नहीं आया था कि आपको पैदा होना है, तब की बहुत पुरानी बात है ये, और इसके बारे में आप हमसे ज्यादा पूछिएगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि हम बता नहीं सकते ये क्या है। बता सकते हैं लेकिन क्या है कि बताने के बाद उससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद नाराज हो जाए, उनको बुरा भी लगे, और उनकी इज्जत रखते हुए और अपनी एक इज्जत रखते हुए हम लोग, हम अभी भी जब मिलते हैं इट कुड बी अ पार्टी और एनी, हम दूर से ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा चलिए थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं आपको। ये हम लोग एक फिल्म थी जिसमें हम दोनों ने साथ में काम किया था जिसका नाम था द ग्रेट गैम्बल, और ये बात तब से शुरू हुई जब हम लोग शायद रोम में थे, शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म की, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब इससे आगे हम नहीं बता सकते आपको, प्लीज हमसे पूछेगा मत रणबीर। रणबीर और नीतू, हाँ जी, लवली टू हैव यू हियर। और रणबीर आपकी ये नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बेशरम। सर सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा आपसे, ये टाइटल चोरी किया है मैंने, आपकी एक फिल्म आई थी बेशरम जी बिल्कुल 70s में, तो इस बार सर पूरे परिवार के साथ एक पारिवारिक फिल्म ला रहा हूँ, एक एंटरटेनिंग मसाला एक्शन रोमांटिक कॉमेडी जॉनर फिल्म, कुछ चीजें छोड़ी इस फिल्म में, सब कुछ गाली है इस फिल्म में सर। लेकिन मेरे लिए ये जो किरदार निभा रहा हूँ बबली, बबली बबली मेरा नाम है बबली इस फिल्म में। आपका नाम बबली है जी, आमतौर पर सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है ना? जी इस बार मुझे दिया गया। कोई खास वजह है कि आपको बबली बुलाया जा रहा है इसमें? सर खास वजह मेरे लिए इसलिए थी क्योंकि अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है बबली, उनके जो उसके जो कमरा है उसमें अमिताभ बच्चन के फोटोज है, वो जिस तरह से कपड़े पहनता है, जिस तरह से चलता है, जिस तरह से उसके बाल है, और सबसे मजेदार बात यह है कि जो डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अमिताभ बच्चन के जैसे छाती के बाल चाहिए। आजकल दौर आ गया है कि सब छाती के बाल निकालते हैं, तो मैंने वो इस फिल्म में कभी भी यकीन नहीं था कि मेरे करियर में कभी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। साहब आपके जो छाती के बाल हैं क्या कमाल के छाती के बाल। सर रिश्ते में आप सिर्फ अभिषेक बच्चन के नहीं, हम सबके बाल हैं, हम सब आपके कॉपी करते हैं। तो ये कैरेक्टर हुआ जी सर। बेबी और सज्जनो, 2 अक्टूबर को बेशरम फिल्म रिलीज होने वाली है, रणबीर कपूर है, नीतू सिंह जी हैं, और आपके पिताश्री चिंटू कपूर भी है, और हम तीनों परिवार के सदस्य एक ही फिल्म में। और मुझे शायद जहाँ तक जानकारी है माता और पुत्र ने एक साथ कभी काम नहीं किया, आप दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है, यू नो इट्स लाइक
हम लोग साथ में मिलते हैं और काम करते हैं, इट इज रियली अ गुड एक्सपीरियंस. लेकिन जब वो कैमरा ऑन होता है यू फॉरगेट दैट्स योर सन और योर हस्बैंड, यू जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर. और मेरा कैरेक्टर एकदम ही कुछ अलग ही है. जी हमने एक प्रोमो देखा है जहाँ आप कुछ अपने ऐसे उंगलियां ऐसे कर रहे हैं कड़क कड़क कड़क, मैं मार दूंगी घुसा अगर तुमने कुछ बदतमीजी की. और आप तो जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूँ इन रियल लाइफ, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन एंड यू आर आई एम वेरी यू नो लाइक अ. ये बात मैं आपको इनको किससे बताऊंगा मैं आपके. ओके रणवीर नीतू जी, आप आज जो खेल खेलने जा रही हैं वो हमने सुना है कि एक चैरिटी के लिए, जितना भी आप यहाँ से कमाएंगे वो एक बहुत ही नेक काज में आप दान करने वाली है. उस चैरिटी का नाम क्या है? सर CCDT इज द कम्युनिटी ऑफ कमिटेड डेवलपमेंट ट्रस्ट. दिस इज अ चैरिटी सर विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन सर. बहुत अच्छी बात है, बिग हैंड फॉर दैट. एक छोटी सी बात मुझे अपने दर्शकों से करनी है, उसके बाद हम गेम को आगे बढ़ाएंगे. रणवीर नीतू जी, अब समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सभी दर्शकों के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ घर बैठे जीतो जैकपॉट का प्रश्न. घर बैठे जीतो जैकपॉट का प्रश्न है ये, इनमें से क्या भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के प्रथम नाम का संक्षिप्त रूप नहीं है? ए VP, BHD, CIK या DLK. याद रखिएगा आपको अपना जवाब जो है कल रात 8:30 बजे भेजना है. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर के रणवीर कपूर नीतू सिंह जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे. कृपया करके कहीं जाइएगा मत, खासतौर से जितनी भी महिलाएं वहां बैठी हैं वो. धन्यवाद.